गुना शहर में नवरात्रि महोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इस बार झांकियों की संख्या पहले से ही कम है, लेकिन दो वर्षों बाद झांकी सजाने की अनुमति मिलने की वजह से समितियों ने कई आकर्षक झांकियां सजाई हैं, जिन्हें देखने के लिए जिले भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुना शहर में सबसे ज्यादा चर्चा में तलैया मोहल्ला क्षेत्र में सजाई गई झांकी है। शहर में खाटू श्याम जी के भक्तों की संख्या बड़ी तादाद में है। ऐसे में जय मां पाता भैरवी उत्सव समिति द्वारा हमेशा की तरह चलित झांक लगाने का अनूठा प्रयास किया है और बारीकी से खाटू श्याम जी बनने तक का दृश्य दर्शाया जा रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए गुना के अलावा अशोकनगर, शिवपुरी और राजगढ़ से भी श्याम भक्त पहुँच रहे हैं। जय माँ पाताल भैरवी उत्सव समिति के तत्वावधान में ये नवदुर्गा झांकी हर वर्ष लगाई जाती है। इसमें पिछले 40 वर्षों से ये झांकी लगती आ रही है और हर वर्ष इसमें चलित रूप में झांकियाँ दिखाई जाती हैं और जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसके हिसाब से दृष्टांत दर्शाए जाते हैं। उसी क्रम में बरवरिक से खाटू श्याम बनने की कहानी को हमारी झांकी समिति ने दर्शाया, जिसे गुना जिले की नहीं आसपास के समस्त जिले की बल्कि मध्य प्रदेश की जनताओं ने काफ़ी पसंद किया है और मैं श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि वे एक बार इस झांकी को अवश्य देखें। ये पहला अवसर नहीं है जब यहाँ चलित झांकी लगाई गई हो। इससे पहले भी समिति साल 2019 तक रामायण महाभारत से जुड़े पात्रों को चलित रूप से यहाँ प्रदर्शित करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, गुना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।